Welcome to the lecture of engineering material. My name is Amit Verma and I am a lecturer of mechanical department in Satyam Polytechnic College. Today I will discuss the two main question, 5 marks questions, which is जेडे कि आप टैक्सट बुक्स जोड़ा है अपनिया उस प्रीवियस पेपर दते होंगे वो टू क्वेश्चन मैं ले आ। फस्ट क्वेश्चन हैगा अपने को प्लास्टिक, वट इज़ प्लास्टिक एंड वट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। सो क्वेश्चन इस मिक्स है, मैं तुम्हें आंसर समझा रहा कि क्वेश्चन आ सकता तुम्हें 5 मार्क्स कि प्लास्टिक ही होंगी, प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ की होंगे। फस्ट है प्लास्टिक, प्लास्टिक आदि सबस्टांस विच लोंग चेन मोलीक्यूल्स विच कैन बी मोल्डेड बाय हीट एंड प्रैशर टू एनी डिजायर शेप। प्लास्टिक एक योजा सबस्टांस आ जिहड़ा कि जिहड़ा मोलीकुलर जो स्ट्रक्चर इसका है पॉलीमर्स तो बनता है, पॉलीमर होंदा है, मगर इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो होंदा है ईथीन। इसनों सो इस प्लास्टिक नूं तैयार किया जाता कि प्रोसैस के जरिए पॉलीमराइजेशन प्रोसैस। इसकी जो चेन होंदी आ कार्बन हाइड्रोजन की लोंग चेन होंदी आ, इसनों इस दे विच की आ हीट एंड प्रैशर के जरिए आप मोल्ड दे विच प्लास्टिक नूं पोर करते हैं, ठीक है, इंजैक्ट करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं। सो प्लास्टिक आदि पॉलीमर्स, फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन इज ए पॉलीमर फॉर्म बाय लिंकिंग टूगैदर लार्ज नंबर ऑफ ईथेन मोलीक्यूल्स। सो जो पॉलीथीन होंगे अपने घर यूज हों, लिफाफा जिन्होंने कह देंगे, उसका जो स्ट्रक्चर होंगे पॉलीमर होंगे, जिसकी जो चेन होंगी है लोंग चेन होंगी है, ठीक है। सो कार्बन हाइड्रोजन की चेन का कह रहा मैं। प्लास्टिक पार्ट ऑफ सबस्टांस capable of being molded by resin lack this property। so plastic tough substance ha, plastic can be molded to form a countless shape extended as sheet or pipes। so iste jo plastic nu jo shape ha koi bhi shape ho sakdi hai, chahe wo loose shape ha, theek hai, जिस दे विच आपां पॉलीथीन भी रेडी करते हैं, तो जिस दे विच आपां एक रिजिड सॉलिड बॉडी भी रेडी करते हैं किसी भी मटीरियल में। फॉर एग्जाम्पल घर के जो जो यूटेंसिल्स है कई प्लास्टिक के बने होंगे सॉलिड होंगे, और जो पॉलीथीन होंगे थोड़े फ्लैक्सीबल होंगे, प्लास्टिक आर ऑरगैनिक माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स। ठीक है, एक मैक्रो मोलीक्यूल स्ट्रक्चर होंगे आ जिस थाउजेंड्स ऑफ मोलीक्यूल एटम्स मौजूद होंगे। प्रॉपर्टीज की है, लो स्पेसिफिक ग्रैविटी मीनस कि इसकी जो वेट है उसका जो ग्रैविटी का स्पेसिफिक ग्रैविटी बहुत ज़्यादा घट आ, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी, इस ना ही इलैक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ना ही हीट, सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी। क्रोजन रेजिस्टेंस मीनस कि इसमें जंगाल नहीं लगता ना ही इसके उपर मॉइस्चर का अटैक होंगे। ईजीली वर्कएबिलिटी एंड लो फैब्रिकेशन कॉस्ट, इस उपर जो वर्क करना है, ठीक है, वो ईजीली आ, मशीनेबिलिटी ईजी आ, ठीक है, इस हल्के टूल्स के नाल ही इस मैनुफैक्चर किया जाता है मोल्ड्स के जरिए। सो लो फैब्रिकेशन मीनस कि इस जो बनाने की जो कॉस्ट है वो भी घट होंगी है। गुड अप्रैशन रेजिस्टेंस, इस पर जो स्क्रैचिज है वो भी नहीं पैंदे। एक्सीलेंट फिनिशिंग जो तुम देखी है प्लास्टिक जो फिनिशिंग है बहुत फाइन होंगी है, ठीक है, ज इस जो चमक होंगी है बहुत ही ज़्यादा होंगी है। कैमिकल इनर्टनेस, प्लास्टिक जी कैमिकल इनर्ट होंगी है, ना ही क्रोजन तो ना ही इसके उपर एसिड का अटैक होंगे, ना ही इसके उपर एलकलाइज का अटैक होंगे, ठीक है, मीनस कि किसी कैमिकल ना रिएक्ट नहीं करती। सो नैक्सट क्वेश्चन है, वट आर दी प्रॉपर्टी एंड यूसिस ऑफ बेरिंग मैटल्स एंड सोल्डर। आप कि बैरिंग मैटल दिया जो प्रॉपर्टीज दसियाँ तो वो यूसिस दसने की आ। सब तो पहला कि बैरिंग जो आप यूज होंगे मशीन पार्ट्स के प्रॉपर्टीज की है बैरिंग मटीरियल दिया, इट इज इट्स कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन इज लो। सो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन मीनस कि इस जो फ्रिक्शन घट होना चाहिए कि जो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करे, फिर बैरिंग का फायदा ही की। सो जो
हम जो भी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होंगी है कि इसके फ्रिक्शन लो होना चाहिए, मीनस कि कोफिशंट फ्रिक्शन इज लो, इट शुड बी सफिशेंट हार्ड टू गिव लॉन्ग बेयरिंग क्वालिटी। सो इस जो वेयरिंग क्वालिटीज़ है वो वेयरिंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मीनस कि ये वेयरिंग रजिस्ट कर सके। इट शुड बी एबल टू विदस्टैंड बेयरिंग प्रेशर कंटिन्यूसली, पर्टिकुलरली इंपैक्ट और पाउडिंग एक्शन। सो जिन्हें भी इस जड़ा कि बेयरिंग आ बेयरिंग जड़ा अलॉय आ उसके की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वह प्रैशर न ठीक है तो शॉक्स न इंपैक्ट न झेल सके। इट शुड ऑपरेट सैटिस्फैक्टरी ईवन एट मैक्सिमम रबिंग स्पीड विद सूटेबल लुब्रिकेशन, मीनस टू विच इट विल बी सब्जेक्टेड इन सर्विस। सो की है मीनस कि इसनों जिन्ने भी ज़्यादा हो सके रबिंग स्पीड के उपर चलाया जा सके लुब्रिकेशन दे जरिए। इट शुड हैव सफिशेंट हाई मेल्टिंग टेंपरेचर, जो टेंपरेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इट शुड पॉजिज गुड कास्टिंग क्वालिटी, इस जो कास्टिंग की क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड नॉट कॉज इमीडिएट सीजर ठीक है। इट शुड हैव नॉन क्रोसिव प्रॉपर्टीज, इस जो जंगाल लगन की जो जंगाल नहीं लगना चाहिए। इट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इस जो थर्मल कंडक्टिविटी मीनस कि हीट नू ट्रांसफर करने की जो कपैसिटी वो ज़्यादा होनी चाहिए है। इट शुड पॉजिज द डिजायर्ड डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी अंडर लोड एंड अंडर द लोड ऑफ इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। सो प्लास्टिसिटी इस जिदा कि लोड पै रहा किसी भी बैरिंग के उपर तो वो जरा लोड के कारण इस दे विच जो इसकी प्लास्टिसिटी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके उपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। सो नैक्सट है अपने उपर यूज ऑफ बेयरिंग मेटल, कितने कितने यूज होंगे मेके फॉर मेकिंग फायर अलार्म्स, ऑटोमैटिक स्प्रिंग फायर अलार्म्स के यूज होंगे, फॉर मेकिंग सेफ्टी प्लग्स ऑफ कुकरस मिल्क पॉट्स एक्सेट्रा। सो सेफ्टी प्लग्स के कुकरस के काम आता फॉर एज ए सॉफ्ट शोल्डर फॉर जॉइंट। एक मिनट इस थोड़ा मिस इस थोड़ा जहा हाँ इस एज ए कास्टिंग फॉर डेंटल वर्क्स के काम आता है फॉर बॉयलर एंड इलैक्ट्रिक फ्यूजिस ठीक है। सो यह यूजिज है, टू क्वेश्चन है इसमें थोड़ा जहाँ तुम रीड करना है ठीक है, लर्न करना है, नोट्स बनाने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता स्मॉल क्वेश्चन भी आ जाता, लॉन्ग क्वेश्चन बन के भी आ जाता ठीक है। थैंक यू बच्चों।